लाल बहादुर शास्त्री द हॉनेस्ट एंड लॉयलिस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया भारत देश निस्वार्थता निजाइती की अंकित भावा की निर्वक्त रूपम लाल बहादुर शास्त्री अलांटि लाल बहादुर शास्त्री गारु भारत देश रेंडो प्रधानमंत्री का सेवलु अंदिंचडं जरिगिंदि लाल बहादुर शास्त्री गारु भारत देश स्वातंत्र संग्राम पोराटंलो कूडा भागमै लोक सेवक मंडल एदैते लाला लाजपत राय गारु स्थापिंचिनरो दांट्लो भागमै स्वतंत्र संग्राम में भागमे क्विट इंडिया उद्यम में पागोनी सुमार 7 संवस जैल जीवन गड़पन जी आर्वात नेहरू गारी ओक कैबिनेट आये 12 संवस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैलवे मंत्री होम मंत्री अनेक शाखा निर्वहित जी अंतना मुझे आये उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री कैबिनेट आये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पनचे जी आयन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पनचे कॉल में भारत देश मोटमोदारी उमेन कंडक्टर्स अंड ड्रैवर्स अपाइंट जरिए महिला कंडक्टर् महिला ड्रैवर् मोटमोदारी अपाइंट लाल बहादुर शास्त्री आ तर आये होम मिनिस्टर का उन्न कॉल में आये अनेक सवाल नीट आये होम मिनिस्टर कॉल में अब आंदोलनकार अदपजे लाठी चारज वे क्रम वी जेट क्यान तरह वाटर क्यान वाड़ जी अलागे आ तर्वात नेहरू कैबिनेट आये होम मिनिस्टर का उन्न कॉल में अनेक सवालू धीटू एद्रको जरिए अपने परस्त आये होम मिनिस्टर का उन्न कॉल में भारत चीना युद्ध जरूर समय में आ सवाल धीट एद्रकोनी चीना को धीट समाधान चपेटन जरिए अब आये होम मिनिस्टर का उन्न कॉल में हिंदी भाषन देश अधिकार भाषा प्रकट जी दा तो पंजाब हरियाणा साउथ इंडिया कोई प्राता आंदोलन जरग्न आंदोलन समर्दवंत कंट्रोल लाल बहादुर शास्त्री गार शास्त्री फॉर्मुला पेर मीद आज कंट्रोल जरिए आ तर आये रैलवे मिनिस्टर उन्न कॉल में चेन्नई कोस्ट फैक्टरी एर्पट्ठे जरिए 1964 जून 9th ना आये नेहरू गारी मरण तरह भारत देश रेंडो प्रधानमंत्री आये बाध्यता स्वीक जी आये बाध्यता स्वीक क्रम में भारत देश चला क्लिष्ट परस्थित अब कर काटकाल तो भारत देश उ पैस्थि अच्छे 1965 भारत देश पाकिस्तान युद्ध संभव आुद्ध सदर्भंग सौम्युन लाल बहादुर शास्त्री धीर मारे आयन माट चपम्म जी तलवार के नोक पे आटम बॉम के डर से अगर ये देश को कोई झुकाना होगा अगर डराना होगा तो ये देश झुकाना नहीं होगा डरना डरने का देश नहीं है ये देश जो है सर्वसत्ता एक देश है और हथियार का जवाब हथियार से देंगे अंजेपी चपड़न जरिगिंदी अलागे अप प्रधानमंत्री पाक प्रधानमंत्री रहते अयूब खान नोडो आये काश्मीर की मैं टैंकर् काश्मीर मे मोतम आक्युपाई चुस्कटा तो लाल बहादुर शास्त्री गारे माट चरी टैंकर् काश्मीर वस्ते सीन मोतम लाहोर कराची वस्वी मेम चूस्ता जरिए आये अब युद्ध समय में सैनिक स्थैर्या निंपत देशा समर्दवंत नड़पू अलागे देशा अन्न बेटे रईत गौरव देशा रक्षे जवा गौरव आये गोपन स्लोगन इव जी जै जवा जै किसान जै जवा जै किसान स्लोगन अने देश प्रजल स्वीक रईत तरवा जवा की गौरव दिंदेटे देशा जवा विधा रक्षिस्ो अदे विधा अंतर्गत मन जाति जनलू प्रजल जवाला देशा रक्षा अवसर उपमें जरूरत अदेका लाल बहादुर शास्त्री गारु आये प्रधानमंत्री का उन्न कॉल में अनेक संस्कर प्रवेश जरिए अब 1965 देशमंत कर काटका संबंधी नेपथ्य एमएस स्वामीनाथन एवरो एमएस स्वामीनाथन गार तो कल आये हरत विप्लव ग्रीन रेवल्यूशन प्रारंभि पंजाब हरियाणा प्रांत में वीट उत्पादन पड़ा जरिए अलागे अदे 1965 प्रांत में वैट रेवल्यूशन श्वेत विप्लव पाल ओक उत्पत्ति भाग में अपट वर्गीस कुरियन गार तो कल आये अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड गुजरात स्थापनी अलागे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापनी वैट रेवल्यूशन की नांद पल लाल बहादुर शास्त्री गार अलागे हैदराबाद एनजी रंग अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी आयने स्थापित जरिए इपड़ी प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी मार्ग जरिए दा तो आये होमीजे बाबा गार तो कल प्लूटोनियम प्रोसेसिंग यूनिट आये प्रारंभ जी इवन एक्तते आये ओक जीवित आये ओक व्यक्तित्व भारत देश मोता आदर्श एंकंटे निस्वार्थता निजाइती तो बतिन मनि लाल बहादुर शास्त्री आये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का उन्न कॉल में आयुक वेहिकल ले आये होम मिनिस्टर का उन्न कॉल में आयुक सो इन वेहिकल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होमलेस होम मिनिस्टर आये अटर
ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసే కాలంలో కూడా ఆయనకు సొంత కారు కూడా లేని పరిస్థితి. ఆయన ఆ పిల్లలు అప్పుడు అడిగితే ఆయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో 7,000 రూపాయలు 4,000 రూపాయల పైచిలుకు లోన్ తీసుకొని మరి ఆయన ఫియట్ కారు కొనడం జరిగింది. ఆ లోన్ ఏదైతే 4,600 లోన్ ఏదైతే ఉందో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీర్చడం జరిగింది. ఇంత గొప్పనైన నిస్వార్థ నిజాయితీ పరుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి. ఆయన ఈ వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఆయన పోరాడడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఇక్కడ కూడా ఆయన బంధుప్రీతిని ప్రదర్శించిన ఆయన మనిషి కాదు. ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉన్న కాలంలో యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉన్న కాలంలో ఆయన ఒక జీతం 500 జరపకపోతే పేపర్లకు ఆర్టికల్ రాసి ఆయన ఒక కుటుంబాన్ని నడిపించుకున్నటువంటి నిస్వార్థ రాజకీయ వాది, నిస్వార్థ గొప్పనైన ఆదర్శ పరుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు. కాబట్టి అలాంటి గొప్పనైన వ్యక్తిని మనం స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే దేశంలో నిజాయితీ పరులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మొట్టమొదటిగా మనకు గుర్తొచ్చేది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు. కాబట్టి నేటి రాజకీయ నాయకులు ఎవరున్నారో అట్లీస్ట్ ఆయన జీవితంలో ఒక 10% కూడా పాటిస్తే మన దేశం ఒక ప్రగతి పాఠం వైపు నడుస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్.